बंतवार गांव के ग्रामीणों ने ब्लॉक पर पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन और दर्जन भर पेंशन धारकों को मृत घोषित कर पेंशन कटवाने का लगाया आरोप। जी आपको बता दें, जनपद संत कबीर नगर के दनघटा तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा बंतवार के दर्जन भर ग्रामीण सोमवार को समाज कल्याण विकास खंड हैसर बाजार में पहुंचकर अपने आप को जिंदा बताया। लोगों की बात सुनकर आसपास के लोग भी दंग रह गए। आनन फानन में जिम्मेदार अधिकारियों ने आश्वासन दिया, तब जाकर ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। बताते चले कि योगी सरकार गरीबों के लिए पेंशन योजना का लाभ देने का मुहिम चला रही है। इसी क्रम में पेंशन धारकों का सत्यापन किया जा रहा है। वहीं पर सोमवार को बंतवार गाँव निवासी दर्जन भर ग्रामीण मौके पर पहुँच कर प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम प्रधान बंतवार नीतू यादव के पिता भालचंद यादव 14 लोगों को मृत बताकर पेंशन कटवा दिए। पेंशन धारकों का आरोप था कि चुनावी रंजिश और चुनाव में वोट न देने के कारण ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने घिनौना काम किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। आपको बताएं, धनघटा से अमित प्रताप मिश्री रिपोर्ट। तो आप पात्र व्यक्ति हैं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं सामने। क्या नाम है आपका? राम सावत। पिताजी का? पूजन। गांव? बंतवार। क्या मामला है आपका? ये मृतक घोषित कर दिए हैं पेंशन का। कौन? भाई तो लाल बहादुर। लाल बहादुर? लाल बहादुर। अच्छा, आप जिंदा हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? महावन। पिताजी का नाम? रामबली। किस जात से हैं आप? किस जात से हैं? मल्लाह। यहाँ क्यों आए हैं? आए हैं यही खाते हैं। किसके लिए? अपात्र कर दिया है। कौन अपात्र कर दिया है? कौन कर दिया? बहादुर प्रधान। ठीक। और ये कह रहे हैं कि हमको ग्राम प्रधान ने मृतक कर दिया है, क्या मामला है? सूची में मृतक इन लोग का दिखा दिया गया था, लेकिन हमने पूछा था लोग जीवित है, उनको सब सुधार कर दिया।